हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी पी इस सेशन में हम देखेंगे टिशूज के जितने भी इंटेक्सड क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पेज नंबर सिक्सटी नाइन सेवेंटी फाइव एंड सेवेंटी एट ठीक है तो ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किया जाएगा और ये थोड़ा सा आपका जो भी इसके पहले कंटेंट हमने आपको स्टडी करवाया है स्टडी मटेरियल आपको दिया है ठीक है तो वहीं से ही है आपका मीन्स जितने अगर आपने वहाँ पर वो टॉपिक कवर कर रखा है तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर आसानी से समझ आ जाएंगी ठीक है तो ये है आपका क्लास नाइन्थ चैप्टर सिक्स टिशू चैप्टर के इंटेक्सड क्वेश्चन आंसर्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ठीक है और पहला क्वेश्चन है आपका वाट इज अ टिश्यू ठीक है तो ये आपका पेज नंबर सिक्सटी नाइन पर गिवेन है ठीक है तो देखते हैं टिश्यूज क्या है तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी एक ह्यूमन बीइंग है वो किससे डेवलप्ड हुआ है किससे बना है सेल्स से है ना तो और सेल को ही क्या बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बट हमने क्या बोला आपको ग्रुप ऑफ सेल्स जब बहुत सारे सेल्स यहाँ पर कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाते हैं टिश्यूज बनाते हैं क्लियर तो टिश्यू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू अब टिश्यू ये आपके जो होते हैं ये सिमिलर सेल्स के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट सेल के भी ग्रुप हो सकते हैं जब सेम सेल्स के ग्रुप बनाएंगे तब उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू या फिर सिम्पलर टिश्यू बोला जाता है लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट सेल के ग्रुप बनाते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोला जाता है क्लियर तो टिश्यू क्या हो गया टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ठीक है तो क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की यूटिलिटी को आपको बताना है कि क्या इसका यूज है क्या इसका उपयोग है अब आप देखेंगे कि यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है वो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिंगल सेल से ही परफॉर्म करते हैं लाइक रिस्पायरेशन मूवमेंट एक्सक्रीशन डाइजेशन ये सब उनको क्या करना है एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म करना है बट मल्टी सेलुलर मल्टी का मतलब मेनी जिनके पास मेनी सेल्स हों ठीक है बहुत सारे सेल्स हों वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं मीन्स एवरी सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क क्लियर तो यही पॉइंट्स आपके यहाँ लिखे हैं इन योनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस सच एज रिस्पायरेशन मूवमेंट एक्सक्रीशन डाइजेशन एक्सेट्रा बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यू दीज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट पर्टिकुलर फंक्शन एट अ डिफिनाइट प्लेस इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द मसल सेल फॉर मस्कुलर टिश्यू विच हेल्प इन मूवमेंट अब मसल सेल्स किस हेल्प करती है हमारी बॉडी में जो स्केलेटन के ऊपर मसल लगा हुआ है ऑब्वियसली बात है ये मसल किस हेल्प करता है मूवमेंट में हेल्प करता है इसी तरीके से जो हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम है तो नर्व सेल पाया जाता है ये क्या है फॉर्म द नर्वस टिश्यू नर्व सेल मिलकर क्या बनाते हैं नर्वस टिश्यू बनाते हैं जो किस में हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को बिकॉज नर्व सेल क्या होते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं पूरी बॉडी में ठीक है तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज किसके द्वारा होता है फिर नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो इसे ही बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर किस में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म आल फंक्शन इफिशेंटली इससे क्या होता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को बहुत ही इफिशियंट तरीके से प्रॉपरली उसे कर सकें ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ये आपका था अभी तक पेज नंबर सिक्सटी नाइन का नाउ पेज नंबर सेवेंटी फाइव नेम टाइप ऑफ सिम्पल टिशू अगर हम सिंपल टिश्यूज़ की बात करते हैं तो सिंपल टिशू क्या होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स इज नोन है सिंपल टिशू कितने टाइप्स के होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं वॉट इज द नेम ऑफ थ्री टाइप्स पैरन कायमा कॉलेन कायमा एंड स्क्लेरिन कायमा ठीक है पैरन कायमा टिशू इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स आयरन कायमा एंड क्लोरिन कायमा ठीक है तो बेसिकली कैसा होता है पी सी एस आपको ऐसे याद रखना है पी सी एस है ना पी का बड़ा क्रेज होता है आज की लाइफ ला, टाइम में इंडिया में आप देखेंगे तो आज की लाइफ में पी एक क्रेज सा बन गया है सबके लिए तो पेरन कायमा कॉलिन कायमा इस कायमा यह याद रखने का तरीका है आपका ठीक है और पैरन कायमा को फर्दर आप डिवाइड कर देंगे ए में ठीक है तो ये हो गया एरन कायमा और ये हो गया क्लोरिन कायमा क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं हम आप। आपका क्वेश्चन नंबर टू है वेयर इज अपाइकल मेरिस्टम फाउंड अपाइकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है तो आपने देखा था जो मेरिस्टम टिश्यूज थे वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थे अपाइकल था लेटरल था इंटरकलरी था ठीक है तो जो अपाइकल है कहाँ पाया जाता है जो रूट्स होती हैं या स्टेम्स होती हैं इनके टिप्स पर पाया जाता है मीन्स ये लेंथ में ग्रो करती हैं क्लियर अपाइकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स देयर मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ इन न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग एट द टिप्स ऑफ रूट एंड सूट्स ठीक है तो क्लियरली आप देखेंगे जो लेंथ में ग्रोथ हो रही है वो किसके कारण होता है अपाइकल मेरिस्टम के कारण होता है क्वेश्चन थर्ड है व्हिच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट ठीक है तो हस्क ऑफ जो कोकोनट होता है याद रखना कोकोनट वर्ड आते ही ये बहुत ही हार्ड होता है ना तो ये स्केलेरियन कायमा टिशू से बना होता है तो आपको आंसर क्या करना है द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्केलेरिन कायमा टिशू ठीक है तो आपको ये समझना है ना क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ फ्लोएम फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं तो इसी तरीके से जाइलम के भी फोर होते हैं और फ्लोएम के भी फोर होते हैं और फ्लोयम का फंक्शन क्या होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना इसी तरीके से जाइलम क्या क्या होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना तो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के हाथ में होता है जाइलम मीन्स जल तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के हाथ में ठीक है फ्लोएम से फूड तो फूड का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के हाथ में है इसके फोर कंपोनेंट्स हैं सीव्स ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स ठीक है sieves, tubes, cells, phloem, fibers, तो ये फोर कंपोनेंट्स हैं किसके फ्लोएम के नेम द टिश्यू अब ये लास्ट पेज का है आपका पेज नंबर आई थिंक सेवेंटी नाइन का है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी हमारी बॉडी के मूवमेंट में जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका नाम लिखना है तो अभी इसके पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था मेस्कुलर टिश्यूज किस में रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी में तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा मेस्कुलर टिश्यू क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक तो इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सेल से बॉडी को और न्यूरॉन्स नर्वस सेल को अच्छे से, से स्टडी किया है वहां पर ठीक है अब आप यहाँ पर देखेंगे ये सेल बॉडी है इसमें बीच में ये न्यूक्लियस है और ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं रोड्स टाइप में ये डेंड्राइट्स होते हैं इन्हीं डनड्राइड से दूसरा न्यूरॉन आकर दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स और इस न्यूरॉन का डेंड्राइट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस तरीके से एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बीच में एक्जॉन है ये ठीक है ये एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं जो पल्स इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, ठीक है तो सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्मा इसके अंदर फिल है इट हैज़ टू इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस नोन एज एगजॉन एंड डेंड्राइट्स। और इस सेल बॉडी के टू एक्सटेंशंस हैं एक एगजॉन से और एक डेंड्रॉयड से एन एग्जॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सेल दैट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ठीक है तो आप देख रहे हैं एग्जॉन जो है ये यह यहां पर है यह ये लंबाई में है लेंथ में है इसीलिए बोला गया कि एग्जॉन कैसा होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है किसका नर्वस सेल्स का जो कि क्या ट्रांसमिट करता? करता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ अवे फ्रॉम द सेल बॉडी यहाँ से दूर ट्रांसमिट करता है ठीक है तो दूसरा क्या है डेंड्राइट्स ऑन द अदर हैंड आर थ्रेड लाइक एक्सटेंसन ऑफ सेल बॉडी दैट रिसीव नर्व इम्पल्स दस एगजॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी वेर इज डायट रिसीव नर्व इम्पल्स दिस कोऑर्डिनेशन फंक्शन हेल्प इन ट्रांसमिटिंग इम्पल्स वेरी क्विकली तो आपने क्या देखा ये एक सेल बॉडी है सेल बॉडी में न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में ही साइटोप्लाज्मा है इस सेल बॉडी से टू पार्ट्स निकले हुए हैं एक है एगजॉन दूसरा है डेंड्रॉयड्स एग्जॉन इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है जबकि जो डेंड्रॉइड्स होता है वो क्या करता है इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव थ्री फीचर्स ऑफ कार्डायक मसल्स कार्डायक मसल्स कहाँ पाया जाता है हमारे हार्ट में पाया जाता है इसके थ्री फीचर्स बताने हैं तो फर्स्ट आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो इन्वॉलेंट्री फंक्शन होता है आपके अकॉर्डिंग वो नहीं चलता है वो अपने अकॉर्डिंग ही बीट करता है आप नहीं आप चाहेंगे भी तो आप उस बीट को रोक नहीं सकते हैं ठीक है ये कभी फटीक नहीं फील करता मीन्स कभी टायर्ड नहीं होता बिकॉज अगर ये टायर्ड हुआ तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कार्डायक मसल्स के जो आपको देखना है फर्स्ट है कार्डायक मसल्स आर इन्वॉलेंट्री मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फटिक ठीक है जो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट ये थकते नहीं हैं ये कैसे होते हैं इन्वॉलेंट्री मसल्स होते हैं मीन्स आपके बिलिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो दूसरा देखते हैं द सेल ऑफ कार्डायक मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड अन अनन्यूक्लिएटेड ठीक है कैसे होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं ब्रांच शेप में भी होते हैं और अनन्यूक्लिएटेड होते हैं ये याद रखना यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं ठीक है थर्ड है दे कंट्रोल द कॉन्ट्रेक्शन्स एंड रिलैक्सीसन्स ऑफ द हर्ट ये जो हर्ट है हर्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सी को भी कंट्रोल करता है कौन कार्डाइक मसल्स नाउ क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू क्या होता है ठीक है तो फंक्शन ऑफ एरोलर टिश्यू देख लेते हैं इट हेल्प इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गेन इट हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यूज ऑफ स्किन एंड मसल्स ठीक है तो एरोल टिश्यू का फंक्शन आपको याद रखना है कि इंटरनल ऑर्गेन को सपोर्ट करता है दूसरा ये रिपेयर करता है किसको जो स्किन और मसल्स हैं इनके टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम कौन करता है एरोलर टिश्यू करता है तो इस तरीके से आपके टोटल इंटेक्सट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है और कमेंट करिए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगी ठीक है कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं जो भी आपका इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो आपका एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू फॉर वॉचिंग